सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आप सभी को राम राम। स्वागत है आपका 75 हार्ड की 38वीं दिन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप जब जिम में पहले दिन जाओ तो आपको कौन सा वर्कआउट करना है, क्योंकि यार मेरे बहुत से भाई हैं जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जिम में जाकर कौन सा वर्कआउट करे, तो इस वजह से वो यार जिम ज्वाइन नहीं कर पाते। सो आपका भाई आज आपको बताएगा कि आपको जिम में पहले दिन कौन सा वर्कआउट करना है। सो जब आप यार पहले दिन जिम में आते हो तो आपके मन में बहुत खुशी होती है और साथ में थोड़ी सी यार घबराहट भी होती है, क्योंकि यार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कौन सा वर्कआउट करूंगा, कैसे करूंगा, अगर मेरी कहीं इंजरी होगी तो मैं क्या करूंगा। सो यार आप बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कि आपको कैसे परफॉर्म करनी है। तो आज आपका जिम में पहला दिन है तो आप आते यार आपके मन में एक्साइटमेंट होगी, तो आप कभी ये मशीन लगाओगे कभी वो मशीन लगाओगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे वार्म अप, क्योंकि यार वार्म अप करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें इंजरी के चांस कम हो जाते हैं। सो वार्म अप में आपको क्या करना है, पहले आपको करना है यार आर्म सर्कल, ऐसे यार 10 बार हाथ को आगे लेके आना है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, और फिर इसको पीछे लेके जाना है 8 या 10 बार ऐसे, और फिर इस हाथ से भी आपको ऐसे करना है। और इसके बाद में आपको करनी है यार जंपिंग जैक्स, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी आपको जंपिंग जैक्स कैसे करनी है ऐसे पूरा हाथों को। और इसके बाद में हम करेंगे हमारे हाथों की स्ट्रेचिंग। हाथों की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे हाथ पकड़ना है और अपनी हथेली को ऐसे पीछे खींचना है, और इसमें आपको 5 से 6 सेकंड तक ऐसे पोज करना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर ऊपर से करना है ऐसे, फिर इस हाथ को करना है ऐसे, फिर इस हाथ को पढ़ना है ऐसे, और फिर अपने एल्गोरिथम को धीरे धीरे घुमाना है ऐसे, एकदम आराम आराम से घुमाना है ऐसे। उसके बाद में आपको आपके कमर पे हाथ रखना है और ऐसे यार सर्कल बनाना है बिल्कुल आराम आराम से। 5 बार ऐसे घुमाएंगे और फिर 5 बार इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद में आपको ऐसे यार बेंट हो जाना है और अपने हाथों को यार नीचे लगाना है ऐसे। अगर आपसे यार लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे 5-6 बार करना है जिससे कि आपकी हैमस्ट्रिंग और कोर्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और इतना वार्म करने के बाद में हम करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज। सो पहली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे पुशअप्स, क्योंकि चाहे आप यार बिगिनर हो चाहे आप एडवांस हो, आपको हमेशा पुशअप्स हमेशा लगाने चाहिए जिम में आते, जिससे कि आपकी चेस्ट का, शोल्डर का, ट्राइसेप का, लगभग यार सब का वार्म हो जाता है। तो पुशअप्स आपको कैसे परफॉर्म करनी है ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, लेकिन चलो एक बार आपके लिए और बता देता हूँ। तो पुशअप्स लगाने के लिए आपको देखो, आप यार जिम में पहले दिन आए हो तो आप ऐसे नॉर्मल पुशअप को आप लगा नहीं सकते ऐसे, जो हम नॉर्मल वाले लगाते हैं ऐसे। अगर आप ये लगा सकते हो तो आप ये पुशअप्स लगा लेना, अगर आप ये पुशअप्स नहीं लगा सकते तो आप यार अपने घुटनों के ऊपर पुशअप्स लगा लेना। तो ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे वो पुशअप्स नहीं लगते तो आप ये पुशअप्स ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करना है और फिर अपने यार घुटनों पर आना है और आगे आना है, ऐसे लीन होना है और बैक में एक हल्का सा आर्क रखना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे नीचे जाना है ऐसे, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है ऐसे। इस तरह आपको इसके 8 से 10 रेप लगानी है। हाँ यार आप इसमें यार ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ा कम ही वर्कआउट करना होगा, और यार आप अपनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर बर्न ना करें, क्योंकि आपको आगे भी 3-4 एक्सरसाइज और करनी है। तो पहली एक्सरसाइज आपको पुशअप्स करनी है, उसके बाद में हम करेंगे हमारी बैक के लिए। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे बैक के लिए लेट पुल डाउन। तो ऐसी मशीन आपको हर दूसरी जिम में मिल जाएगी, तो आपको ये जो बार होती है ना इसको, ये जो यहाँ से ये घोड़ा हुआ पार्ट है, यहाँ से आपको इसको ऐसे ग्रिप करना है अपने हाथों से और फिर इस टेबल पे बैठ जाना है और फिर इसको नीचे पुल करना है ऐसे, और अपने चेस्ट पे टच करके फिर धीरे धीरे इसको ऊपर रिलीज करना है ऐसे। बिल्कुल आराम आराम से आपको परफॉर्म करना है और ध्यान रखना कि आपकी बैक में एक हल्का सा आर्क हो ऐसे, ऐसे यार पूरा लीन नहीं होना है, नहीं पूरा आगे होना है, हल्का सा आर्क रखना है पीछे की तरफ और फिर इसको पुल करना है ऐसे, और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करना है, पूरा पुल करना है पूरा चेस्ट के ऊपर ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे करना है। और हाँ, जब आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुल करो ना तो ऊपर लाके ऐसे शोल्डर नहीं उठानी आपको,
अपनी बैग के ऊपर पूरा स्ट्रेस रखना है इसे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से लगाना है इसे। हाँ, और ये जो पेड होते हैं ये आपके पैर के स्पोर्ट के लिए लगाए होते हैं, तो हमें इनका स्पोर्ट लेना चाहिए। सो इस एक्सरसाइज की हम लगाएंगे 3 सेट, और तीनों सेट में हम लगाएंगे यार 12-12 रेप्स। और आपको यार वेट एक बार आपके हिसाब से लेना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार वो बंदा 6 प्लेट लगा रहा है तो मैं भी 6 लगाऊँ। आपका पहला दिन है, आपको 2 या 3 प्लेट डालनी है, और अभी तो आप यार एक्सरसाइज को सीख रहे हो, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाओगे उसके बाद में आप इसमें वेट लगाना शुरू करना है। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे चेस्ट के लिए डंबल प्रेस। तो आपकी जिम ऐसी बेंच होगी, उसको ऐसे फ्लैट कर लेना है, और फिर आपको यार 5-5 किलो के डंबल लेने हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको यार डंबल को कैसे उठाना है, क्योंकि कई लोग ऐसे सीधा उठाते हैं ऐसे ऐसे, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं उठाना है। आप अगर स्टार्टिंग से अपनी चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकोगे। सो आपको डंबल को कैसे उठाना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करना है और फिर ऐसे पीछे लीन होना है, ठीक है। अब इसको ऐसे ऊपर प्रेस करना है डंबल को, और फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे लाना है। ऐसे ध्यान रखना कि आप इसको इतना पीछे ना लाएं, ये दो आप पीछे स्ट्राइक बिल्कुल इसके पास में लाएं ऐसे, और फिर इसको ऐसे ही ऊपर पुश करना है, और ऊपर ला के अपनी चेस्ट को ऐसे स्क्वीज करना है, फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे लाना है। पूरा कंट्रोल वे में ऊपर स्क्वीज करनी है चेस्ट को, और नीचे जाते टाइम इसको ऐसे स्ट्रेच करनी है, फिर पूरी ऊपर लाके स्क्वीज करनी है, और फिर धीरे धीरे लाके इसको स्ट्रेच करनी है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह इसके 12 रेप लगाने। आपको वेट पहले दिन ज़्यादा नहीं उठाना है, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो फिर आप कल जिम नहीं आओगे। सो आपको इसके कैसे रेप लगाने एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे आराम आराम से। और जब आप डंबल को ऊपर की तरफ पुश करो तो आपको ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर की एक्सरसाइज हम इसी बेंच पे करेंगे, बस इसको यार 90 डिग्री ऊपर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और वही आपको 5 किलो के डंबल लेने वापस से, और इसमें भी आपको डंबल को कैसे उठाना है बिल्कुल जैसे हमने चेस्ट में उठाए थे, हमारे घुटनों पे डंबल को रखिए, ऐसे हल्का सा जंप देंगे और इसको उठा लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसको ऊपर पुश करेंगे बिल्कुल ऐसे, और फिर धीरे धीरे अपने कान के पास ले आएंगे डंबल को, फिर वापस ऊपर करेंगे, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे लगाना है एकदम आराम आराम से। और मैंने जिम में कई लोगों को देखा है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, जो यार पहले दिन जिम में आते हैं वो इसको इस तरह लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ऐसे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना, आपको धीरे धीरे अपने कान के पास लेके आना है ऐसे, और फिर पुश करना है ऊपर वापस, ऐसे नहीं लगाना आपको ऐसे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगाना, आपको बिल्कुल ऐसे लगानी है। सो ये होगी हमारी तीसरी एक्सरसाइज क्या। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे हमारे बाइसेप के लिए, और बाइसेप के लिए हम लगाएंगे केबल कर्ल। तो केबल कर्ल आपको कैसे लगानी है, ऐसी आपके पास यार बार होगी, उसको जितने आपकी शोल्डर की विड्थ है उससे हल्का सा आपको अंदर की तरफ पकड़ना है, और अपने चेस्ट को बाहर ऐसी बाहर रखना है, शोल्डर को नीचे, और अपनी एल्बो को एक जगह लो कर लेना है, और फिर इसको ऊपर की तरफ पुल करना है, और पूरा बाइसेप को स्क्वीज करके, और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज कर लेना है, थोड़ा सा पीछे लगाना है आपको, और ऐसे पूरा बाइसेप को स्क्वीज करना है, और फिर धीरे धीरे नीचे करना है ऐसे स्क्वीज, और फिर धीरे धीरे इसको नीचे। और इस एक्सरसाइज को और मैं जिम के अंदर देखता हूँ कि लोग कैसे लगाते हैं, वो इसको ऐसे लगाते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगानी है, आपको जैसे आपको मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे एक्सरसाइज करनी है, आराम से अपनी एल्बो को एक जगह लॉक रखना है एकदम, और बाइसेप से इसको ऊपर की तरफ पुल करना है, और फिर धीरे धीरे नीचे रिलीज करना है। और इस एक्सरसाइज में 3 सेट लगाएंगे 12-12 रेप्स की, और वेट आपको पहले दिन मैंने आपको बोल रखा है कि वेट आप कम ही लगाएंगे। सो इसके बाद में हम लगाएंगे ट्राइसेप की नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्राइसेप पुश डाउन। तो इसको हम ऊपर करेंगे,
और इसी के अंदर हम लगा लेंगे हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज, ट्राइसेप पुश डाउन। तो इस बार हमें दोबारा से बिल्कुल लास्ट पकड़ना है, जितने हमारे शोल्डर की विड्थ है उतनी, और ऐसे उठाना है और चेस्ट को आगे रखना है, शोल्डर को नीचे और हल्का सा आगे बेंड होना है, और फिर इसको नीचे की तरफ पुश करना है, और नीचे एक सेकेंड होल्ड, और ऊपर आके पूरा 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, और फिर नीचे पुश, नीचे जाके ट्राइसेप को स्क्वीज करना है, और ऊपर आके ट्राइसेप को स्ट्रेच करना है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है आपको हिल डुल के, आपको बिल्कुल आराम आराम से परफॉर्म करनी है, क्योंकि आप अगर आपके यार बेसिक्स सही होंगे तो आप बाद में अच्छा खासा वेट लगा सकते हो इसके अंदर। तो आपको बिल्कुल आराम से नीचे जाना है, नीचे एक सेकंड पोज, फिर इतना आना है, और हाँ एल्बो को एक जगह लॉक रखना है, कभी ऐसे नहीं लगाना आपको, ऐसे आपको एल्बो को एक जगह लॉक रखना है, और फिर धीरे धीरे नीचे जाके पुश, नीचे जाके स्क्वीज करना है, और ऊपर जाके स्ट्रेच करना है, ऐसे बिल्कुल आराम आराम से लगाने आपको। सो इस तरह आपको इस एक्सरसाइज की भी 3 सेट लगाने हैं, 12-12 रेप्स के, वेट आपको मॉडरेट रखना है। सो अब हम लगाएंगे हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, और हम लगाएंगे स्पोर्ट्स, क्योंकि यार वैसे ही हमारी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है, लेकिन स्पोर्ट्स भी लगाना जरूरी है, क्योंकि लेग हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर यार आपकी अपर बॉडी होगी लेकिन यार लेग्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं लगेगी, सो लेग्स को भी ट्रेन करना चाहिए। सो स्पोर्ट्स लगानी है आपको इसके लिए, और स्पोर्ट्स मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि आपको को कैसे लगानी है, लेकिन आपके लिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो आपको अपने पैरों को इतना खोलना है जितने आपके शोल्डर की विड्थ है, और उसके बाद में आपको नीचे जाना है 90 डिग्री तक, और फिर ऊपर आना है इसे, बिल्कुल आराम से नीचे जाना है और आराम से ऊपर आना है इसे, और ध्यान रखना है कि आपके यार घुटने आपके अंगूठे से बाहर ना आए ऐसे आगे, अगर ऐसे आएंगे तो फिर आपके यार घुटनों में थोड़ा सा पेन होगा। सो बिल्कुल अपनी सही फॉर्म के अंदर लगाना है इसे, थोड़ा इधर से दिखा दे, बिल्कुल ऐसे, सो इसके आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, और इतनी एक्सरसाइज के बाद में आपको सीधा घर पर नहीं जाना है, क्योंकि हमारा वर्कआउट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इतना वर्कआउट करने के बाद में आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करना है, क्योंकि अभी आपने यार वेट ट्रेनिंग किया है तो आपकी मसल में यार स्टिफनेस रह जाएगी। सो मेरा ये कहना है कि जब आपका वर्कआउट पूरा हो जाए तो आपको लास्ट में बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए। सो कूल डाउन के लिए मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको वो करनी चाहिए। सो पहले तो हम करेंगे स्ट्रेचिंग थोड़ी सी, वापस से वही करेंगे इसे, और अपने पैरों को आगे रखना है इसे, घुटनों को ऊपर की तरफ लाना है इसे, स्ट्रेच करना है, और फिर आपको ऐसे नीचे बेंड होना है हल्का सा, और अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करना है, और नीचे हाथ लगानी है ऐसे, जिससे कि आपकी स्कोर्स, हैमस्ट्रिंग और आपकी लोअर बैक में जो भी हल्का फुल्का पेन है वो सही हो जाएगा। तो इतना वर्कआउट करने के बाद में आप घर पर जा सकते हो। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ यार अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यार आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय श्री राम।